अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी इसरा। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। मैं जस्ट अभी बैठी हूँ आके यहाँ पर। मुझे है थोड़ा बहुत काम, मुझे काम भी करना है, मुझे स्टिचिंग करनी है। बहुत सारा काम करना है मुझे। और अम्मी भी अभी तक नहीं आई हैं। अम्मी को आज बहुत देर हो गई है, मगरिब की भी अजान हो चुकी है, बट अम्मी अभी तक घर में नहीं आई हैं, नहीं पेश हुई हैं। पता नहीं कहाँ हैं, कब आएंगी, कुछ नहीं आता पता। देखते हैं। फ़ोन भी मैंने उनको करा है तो उनका फ़ोन लग नहीं रहा, वो उठा नहीं रही, या तो उनको आवाज़ नहीं जा रही होगी। देखते हैं कब आती हैं, वेट। और अभी हम लोगों ने चाय भी नहीं पी, शाम की चाय भी नहीं पी। हम सोच रहे मम्मी आ जाएँ तो मम्मी के साथ ही बना के हम चाय पी लेंगे। अम्मी की बात कर रही थी, अम्मी की उम्र इतनी लंबी है, जस्ट अभी अम्मी आई हैं और अभी उन्होंने मुझे आवाज़ दी है। मैं इधर रूम में बैठी हूँ ना पीछे वाले, तो मुझे पता ही नहीं, वो जस्ट अभी आए होंगे, आते ही उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई है। देखती हूँ क्या कह रहे हैं। क्या कह रही हैं अम्मी आप, इतनी देर में आई हैं, इतनी लेट? आइसक्रीम लाई हैं अम्मी, लाई हैं आइसक्रीम मेरे लिए, और अहमद मुझे खाने नहीं दे रहे। देखिए कैसे कर, देखिए ये बच्चा मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया है, मुझे आइसक्रीम लेने नहीं दे रहा, खुद तो खा रहा है। मुझे तो दो, मेरी भी लाई हैं अम्मी आइसक्रीम, तोड़ू। अहमद दो मेरी भी, मंगवा दी होगी अम्मी से फोन करके मैंने। नहीं हट रहा ऐसे तो नहीं होता है, ये बच्चा नहीं हट रहा, मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दे रहा, बड़ा परेशान कर रहा है। सो सैड, उनको आइसक्रीम खाएंगे, मेरी भी दे दो, मेरी भी अब हम आइसक्रीम खाएंगे। अम्मी एक मिनट, वहाँ का लाइट पंखा बंद कर रही हूँ, पापा मुझे सुना देंगे अच्छी वाली। लाइट पंखा खुला हुआ है, देंगे एक ही चक्कर पे जाओ, उठती हो तो यहाँ का लाइट पंखा बंद करके क्यों नहीं उठती? ये भी सर दर्द दी है, लाइट पंखा बंद करने की बिजली बचाने की। हमें नहीं आदत, बट हमारा बिल आता है इतना ढेर है, इसलिए हमारा डालनी पड़ेगी। बात तो सही है, यहाँ पर हो रही है आइसक्रीमों पे लड़ाई, ये अपनी मम्मा से लड़ रहे हैं, मुझे आइसक्रीम दो और, बल्कि एक ऑलरेडी खा रहे हैं, एक और चाहिए। मैं पी रही हूँ अब चाय, क्योंकि हो चुका है शाम की चाय का टाइम, और हम अम्मी का वेट कर रहे थे तो अम्मी आ गई हैं। अब हमारी बन चुकी चाय, मेरी शापी ने बनाई है। चलो मुझे तो दिखाओ। ये रही हमारी चाय, अब हम इसे पियेंगे। ये रही हमारी अम्मी जो अभी आई हैं। चादर खराब कर दी, कितना डार्क कलर लगाया है ये, वो भी बीच में। अब पिटेगा तू, बेटा रुक जा, काला वो भी चादर खराब कर गया है। कैसे कर रहे चादर खराब, ये वाली हरकत बहुत बुरी लगती है मुझे, खराब करने वाली घर की चीजें। मैं कहाँ हूँ बहन, तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। इस बदतमीज लड़के ने चादर खराब कर दी हमारी, कली बिछाइए और ये खराब कर दी से। ऐसे बदतमीज हो गया। हमारे घर में हो रही है तैयारी, हो रही है क्या चीज़ बनाने की, हमारे घर में बनने वाला है आज हलवा। वो जो नहीं होता ड्राई हलवा, नहीं होता चोकर चोकर पीस कटे हुए होते हैं वो वाला, आप में तो बहुत से लोग जानते होंगे, वो बनने वाला है। इसकी हो रही है तैयारी, यहाँ पर मेरी शॉपिंग कर रही हैं, बादाम को कट कर रही हैं, और यहाँ पर पापा घिस रहे हैं खोपरा। ये वाला काम करते हैं हमारे पापा, क्योंकि इसमें होता है हाथ में दर्द, तो खोपरा घिस रहे हैं हमारे पापा। मैं भी शाम में बादाम कट कर रही हैं, और कुक करने वाली हैं माय मदर, माय मामा, ओके वो करने वाली हैं कुक। मैं बनाने वाली हूँ व्लॉग है ना, क्योंकि मुझसे तो बन नहीं सकता, मुझे तो आते नहीं है बनाने वालों। अब मैं बनाएंगी तो सीख लूँगी कैसे कैसे बना रही हैं, है ना, ये नहीं कि पागलों की तरह वीडियो बनाऊंगी, सीख भी लूंगी, ठीक है ना। बहुत तेज हो रहा है। पापा ने घिस दिया है खोपरा कोकोनट, उसका जो वाइट वाइट भाग बचा है वो मैं खा रही हूँ, मजे का लगता है, यम्मी लगता है खाने में।
ज़्यादा ड्राई नहीं होता, फ्रेश रखता है। ये सब है हमारा हलवा बनाने का सामान, ये है सूजी और ये है खोपरा कोकोनट, ये है चीनी और ये है क्या होती है किशमिश, ये और चिरौंजी, खोया और बादाम कटे हुए बादाम। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। ओके, अम्मी ने डाला है इसमें घी हलवे के लिए, और अम्मी बना रही हैं आधा किलो का हलवा, इसलिए उन्होंने इतना घी डाला है। सूजी हमारी आधा किलो है, अब अम्मी डाल रही हैं इसमें सूजी। घी में डलती है सूजी, ये भुनेगी, अब इसको भुनेगी। जब तक इसमें खुशबू नहीं आ जाती जब तक ये भुना जाएगा, मम्मी कह रही है। ये भुन चुका है, इसमें खुशबू आने लगी रवेगी अच्छी सी, अभी इसमें सब डालेंगे मम्मी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं बस व्लॉग नहीं बना रही, मैं सीख रही हूँ इनसे बनाना। ओके, इसमें अम्मी बना रही है ताकि सब चीजें डालने में देखती रहूँ इन्हें कैसे बना रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ व्लॉग बनाने के लिए। ओके, अम्मी ने डाला है इसमें घी, इसमें बनाएंगे अम्मी चाशनी। अब इसमें डाल रही हैं चीनी, घी में डाल रही है चीनी। अब इसमें डालेगा पानी, पानी का ढक्कन। अम्मी ने अब इसमें ऐड करा है पानी, चीनी डाली है पहले, उन्होंने घी डाला है, चीनी डाली है, पानी डाला है चाशनी बनाने। अब अम्मी डाल रही है इसमें चिरौंजी चाशनी में, चाशनी में ही डालेंगे अम्मी कह रही है सब चीजें। बादाम भी इसमें डालेंगे, इसमें ही खोपरा डालेगा, कोकोनट, हम खोपरा कहते हैं, वो चलो कोकोनट कहते हैं, बट हमारे मुंह से खोपरा ही निकलता रहता है, हमने बचपन से यही सुना है। और इसी में ही अम्मी खोया डाल रही है, खोया भी डालेगा इसमें, मैं खोया डाल रही हूँ। अम्मी कह रही हैं वीडियो बनाते हुए तो आ रही हूँ, खोया जा रहा है इसमें अंदर, अभी ये मिक्स होगा सब। कब तक पकेगा ये? थोड़ी देर पकेगा, फिर इसमें वो डल जाएगी सूजी। अच्छा, हमने ली है ये थाल जो इसमें निकालेंगी अम्मी हलवा वो बनाने के लिए, और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा घी, पूरी थाल में फैलाएंगे। इसमें अम्मी डाल रही हैं थोड़ा सा खोपरा डाल रही हैं, कोकोनट, खोपरा ही निकलता है मेरे मुँह से क्या खाना, कोकोनट डाल रही हैं इसमें थोड़ा सा, ये घी ना जम रहा है अम्मी, ऐसा मोटा मोटा नहीं करो वो करो। अब अम्मी इसमें वो डाल रही है सूजी जो इन्होंने भूनी थी, जो होगा हो गया है ये, इसे हमें बस उसमें निकालेंगे जिसमें हमने ये ऑयल लगाया है, निकाल के इसको थोड़ा ड्राई करेंगी, फिर इसके पीसेस करेंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, अब अम्मी निकाल रही हैं इसको थाली में, थाल में अब इसको फैलाएंगे। वाह, देखने में तो यम्मी लग रहा है, जो मीठा खाते हैं मीठा स्वीट वो मतलब जिनको स्वीट बहुत पसंद है लवर है मीठे के, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं तो बस थोड़ा बहुत ही खाऊंगी,
फोन आ जाता है मम्मी का। अम्मी ने हलवे को रखा है यहाँ बिल्कुल पंखे के नीचे, ये वाला फैन हमारा ज़्यादा तेज चलता है, बाहर वाला तो यहाँ रखा है। जो ड्राई हो जाएगा तो हम इसके पीसेस कर देंगे। ओके ये हो गया है थोड़ा ड्राई, तो इसलिए अम्मी अब इसे कर रही हैं कट। अम्मी कह रही हैं पूरा ड्राई करके कट नहीं करते, नहीं तो फिर वो कट नहीं होते सही से पीस। थोड़ा सा ऐसा हो तो करते हैं। हाँ ये पिज्ज़ा ही बनाया है अम्मी ने, अहमद कह रहे हैं पिज्ज़ा बना लो, ये स्वीट पिज्ज़ा है। हमने कर दिए हैं ये पीसेस कट कर दिए हैं, अब ये थोड़ा और थोड़ा ड्राई होगा फिर उसके बाद ही खा लिया जाएगा। और हमने थोड़ा बहुत खा भी लिया है, मम्मी ने बहुत मज़े का बनाया, नाइस। चलिए अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। ओके हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।